अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। अनवर मंसूर कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस्तीफा तलब किया था, उनके मुतालबे पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। एचबीएल पीएसएल के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। पुलिस के 13,000 एहलकार ड्यूटी देंगे, 250 कमांडोज और खवातीन एहलकार भी शामिल। 50 मोबाइल का स्पेशल सिक्योरिटी दस्ता भी तैयार। पार्किंग पॉइंट्स पर भी एहलकार तैनात होंगे। पीएसएल का मेला रावलपिंडी के क्रिकेट में सजेगा, आवाम बहुत खुश। कहते हैं स्टेडियम में मैच देखने का अपना ही मजा है, लोग पसंदीदा टीम्स की किट्स खरीदने लगे। पाकिस्तान सुपर लीग का जादू चार सू फैलने लगा। डच खिलाड़ी पीएसएल खेलने के लिए तैयार हैं। हॉलैंड क्रिकेट बोर्ड की चेयरपर्सन बेटी टैमर की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हॉलैंड में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा। तुर्की से माहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 16 नुकाती एजेंडे में गैस और बिजली के बिल पर बहस भी शामिल है। एक नहीं चार जहाज चले गए, पीआईए को खबर तक नहीं, हुकूमत को भी कोई फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा जहाज खोलकर कबाड़ में तो नहीं दे दिए, पीआईए या एयरफोर्स में से एक का इंतखाब करें। एयर मार्शल अरशद महमूद को ऑप्शन दे दिया। स्टेबिलिटी से ग्रोथ के मरहले में दाखिल हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर का सीईओ समिट में खिताब। कहा मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 12 से 13 अरब डॉलर की सतह पर आ गए हैं, आमदनी में इजाफा हो रहा है। सेक्रेटरी फूड साहब, आपकी तकरूरी गैर कानूनी है, सीएसएस नहीं किया, आप तो सेक्शन ऑफिसर हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। महकमे खुराक करप्शन केस में सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। कहा आप सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, बलूचिस्तान में अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत से मुजाकरात नाकाम। असेंबली से वजीर आला हाउस तक रैली, धरना दे दिया, हुकूमत के खिलाफ नारे। अमरीकी सदर ट्रंप दौरे भारत में कश्मीर पर बात करेंगे, सासी की पेशकश को अमली जामा पहनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा एंटोनियो गुटेरेस ने भी कश्मीर की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। मुतासरीन समझौता एक्सप्रेस आज भी इंसाफ के मुंतजर है। चीन में कोरोना वायरस ने मजीद 108 जाने ले ली। हलाकतें 2100 से तजावुज कर गईं। 24 घंटों में 350 केस रिपोर्ट। मुसाफिर बसों में थर्मामीटर नस्ब कर दिए। जापान की क्रूज शिप में 2 मुसाफिर हलाक, 624 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तिला हैं। जाली मुकाबलों के लिए राव अनवार ही काफी हैं, किसी और को राव अनवार नहीं बनने दे सकते। जाली मुकाबला केस में पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स, एनकाउंटर रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आईजी पुलिस को दोबारा तहकीकात का हुक्म दे दिया। तनख्वाह मिलेगी तो सफाई होगी, लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी ने मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा करकट, ताफून फैलने लगा, हुकूमत नाकाम हो गई, आवाम की दुहाई। महंगाई से परेशान, सफाई से परेशान, इंतहाई बदबू, बहुत ही गंद बचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े, पेशावर, स्वात और कोहार समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जिला खैबर में सैलाबी वेला, पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद और लाहौर में बरसात, जेहलम में भी बादल फट पड़े।